जो सदन की गरिमा है वो जब नष्ट होती है, कुछ लोग उसको ख़त्म करते हैं, तो दर्द महसूस होता है। उस संसद की गरिमा बनी रहे इसके लिए एक सांसद के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर आप क्या सोचती हैं? वास्तव में ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्खलन, जिसको मैं कहती हूँ, पूरी राजनीतिक परिदृश्य में ही ये हो रहा है कि स्खलन होता जा रहा है। और मैं मानती हूँ कि संसद की जो स्थिति, जैसे कमज़ोर पक्ष विपक्ष दोनों हैं, तो कमज़ोर पक्ष सत्ता पक्ष हो कि उनके सामने कोई विजन ही नहीं हो, उनके सामने केवल सत्ता पे टिके रहना। देखो, इस संसद ने वो भी दृश्य देखा है कि अटल जी जैसा व्यक्ति कहता है मैं एक वोट नहीं खरीदूंगा और नहीं मुझे मिल रहा है और सरकार गिर जाए, मैं अभी इस्तीफा दे, इस ऊंचाई को भी हमने देखा है। दुर्गा स्वरूप भी कहा, ये ऊंचाई को भी हमने देखा। और मैं सामने ये भी, आपको किसी व्यक्ति के लिए मैं नहीं बोल रही, मगर संसद की जो नेता, जिसको आप रिमोट के नेता कहो, कि नेता डिक्लेयर नहीं मगर नेता, वो खुद अपने सांसदों को ऐसे ऐसे करके उचकाए कि तुम आगे आओ, क्या रहेगा? यानी उल्टा होता है। हमारे यहाँ हमारे लोग कहते हैं, अडवाणी जी कहते हैं शांत रहो, चुप रहो। आपका इशारा सोनिया जी की तरफ? और बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, बात है कि सोनिया जी, मैंने देखा है उनको, उस दिन सदन में सोनिया जी ने खुद इशारा किया सांसदों को कई बार, उस दिन नहीं, उन्होंने वो इसके लिए नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने वो मिर्च पेकी उसके लिए किया, पर बाकी हमारे के लिए, मगर हंगामे के लिए कई बार मैंने देखा है कि वो खुद ही इशारे करती है। और तुम्हारे सत्ता पक्ष के लोग वेल में आते हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री वेल में आते हैं, इसका अर्थ तुम्हारी अपनी रणनीति क्या, या तुम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हो? एक तेलंगाना का मुद्दा इतना जोर पकड़े, तब तक आपने क्या किया? हमने भी तीन तीन राज्य करे छोटे छोटे, नहीं हुआ ये सब कुछ, तो ये तुम नहीं संभाल पा रहे हो, इसका अर्थ क्या होता है? ये कमजोर नेतृत्व है या अपरिपक्वता है? ये संसद में ऐसा नहीं, किसी भी हालत में नहीं होना। तुम अपने घर में बैठो, बैठक करो, और तुम्हें तेलंगाना के भी सांसद हैं, उनको, तुम्हारे तेलंगाना के कांग्रेस के सांसद वेल में आते हैं, तुम कुछ नहीं कह रहे हो, तुम्हारे मंत्री वेल में आ रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं तुमको। कई बार तुम सीबीआई की दोष दे करके खुद कह रहे हैं, जो तुम्हारे समर्थक ये हैं मुलायम सिंह जी जैसे, कि एक प्रकार से सीबीआई की दोष दे करके तुम उनको अपने तरफ रख रही हो। तो सत्ता की कुर्सी केवल कायम रखने के लिए तुम इतने नीचे के स्तर पे हम गिर रहे हैं सभी लोग। ये जो दृश्य दिखता है कि चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार है सदन में, मगर हम चर्चा ही नहीं चाहेंगे, हम केवल चाहते हैं कि हमने ये बिल कर दिया, इसी में बड़बड़ाई मानते हो, ये जो स्थिति आई है, ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि केवल कमजोर नेतृत्व नहीं, अपरिपक्वता, पॉलिटिकल अपरिपक्वता यहाँ से करने के। कांग्रेस के सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सांसद कई बार हमने, या सदन नहीं चलने दिया उसमें भी हंगामे में शामिल रहे। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, मतलब शुचिता जो, मैं आपको बात बताती हूँ कि हंगामे की बात वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तभी खड़े हुए हैं सदन में कि जब हमारी बात की सुनवाई नहीं है, एक सुनवाई के तरीके हुए। कई बार ये हुआ है कि बैठक में कुछ बातें तय होती हैं, वहाँ रोज के लोकसभा के इसकी भी बैठक होती है कि क्या कल की कार्रवाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तय होता है। उसको सुने बगैर, उसके अलावा अगर कुछ तुम सदन में लाना चाहते हो और तुरंत पास करना चाहते हो बिल, ये जो एक है कि सदन में विपक्ष भी जो होता है उसका भी हिस्सा तुमने मानना चाहिए। सदन में विपक्ष की भी अपनी एक गरिमा है, उसका भी मत है, तो वास्तव में दोनों ने मिलकर के सदन को चलाना होता है। ये न होते हुए जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री की कार्यप्रणाली पर हमने प्रश्न उठाए कई बार कि क्या हो रहा है, तो नॉन सीरियसनेस, सत्ता पक्ष का सदन के प्रति नॉन सीरियसनेस, ये पहली बार मैंने इतना इस 5 साल के कार्यकाल में देखा।